फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। मैं सैयद रजाशली की बेटी बात कर रही हूँ। आप है तो मेरे को आप लोगों से इंसाफ होना। मेरा शौहर जसोमा, मेरे शौहर की जान ले लिए इन लोग, और इलाहाबाजा बोल लिया अम्मा नामा बोलिए लोगे। ये जसोमा इसमें शुजात नवाब का हाथ है, और जसोमा इसमें फैसल नवाब और उनका ड्राइवर अरुण पांडे नाम है उसका, और ये कंडा शकील की दुश्मनी थी इन लोगों से दुश्मनी। नवाब जसोमा सुल्तान सोसाइटी का बड़ा केस कराए उनसे, करा के बहुत कुछ दे। तो ये कब का है, कौन से साल का है? ये साल तो याद नहीं है, 16 साल 17 साल की बात है ये। जब एक घर दिलाए, काम कराए, जफर जावेद का 307 कराए मेरे शोहर से, और जसोमा उनको जिंदगी भर पालते बोले थे, 4 घरा दिलाता हूँ, हर चीज करता हूँ बोले थे अम्मा। ये बात ये सुजात नवाब फैसल नवाब बोले थे, एक घर दिलाए हमारे को। उसके तो आपको शक किसके ऊपर है अम्मा? मेरे को शक सुजात नवाब फैसल नवाब और कंडा शकील और जसोमा ये क्या बोलते अरुण पांडे। बाजाबता मेरे को फोन करके 6 महीने पहले अरुण पांडे मेरे को फोन करा, जो आपको फोन करे थे, आपको मेरे को फोन करके सुजात नवाब का ये ड्राइवर है, इन्हें मेरे को बोला कि देखो भाभी नजब जसोमा ऐसा पैसा ऐसा सुजात नवाब को फोन आ करके, फैसल नवाब को फोन आ करके गालियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। ये सुजात क्या साहब के पास, सुजात नवाब साहब के पास क्या पैसा नहीं है? कौन फोन करे थे आपको? मेरे को अरुण पांडे जो सुजात नवाब का ड्राइवर है उन्हें करके बाजार का ये बोला, देखो नजब जसोमा ऐसा पब्लिक सिटी कर रहे हैं, नवाब साहब की इज्जत निकाल रहे के मैं सुजात नवाब को मारता हूँ, उन्होंने मेरे साथ धोखा करे, गालियां दिए, वो दिए बोलते बोले। तो अरुण पांडे बोला, देखो सुजात नवाब मेरे को नजब की बीवी को ये बोलो बोले कि नजब को जसोमा ये रोक दो, बोलो पब्लिक सिटी नको, हम आपको गालियां दे रहा, हम हमारे कन इतना पैसा है कि पैसा दे के बाजबता जसोमा नजब की मुंडी निकाल देते, ये नजब की बीवी को बोलो बोल के मेरे को फोन करके ये अरुण पांडे बोला। तो मैं जब बोला, देखो सुजात नवाब साहब बोले थे कि नजब जब केस कराए थे सुल्तान उलूम सोसाइटी का, जो जफर जावेद का 307 कराए थे, तो इन्हों विटनेस थे, इन्हों बोले इनको इतना देता हूँ, बल्कि उन्होंने धोखा दे दिए नवाबा, धोखा दिए तो धोखा कहीं को दे रहे, मेरे को पैसा दे रहे, मैं तो अपोजिशन पार्टी जफर जावेद उनसे इन्हों मैं मिल लेता हूँ, मैं विटनेस बन जाता हूँ, तुम लोगों को सजा दिलाता हूँ, बल्कि बोले थे नजर सैयद नजफ अली बोले थे कि विटनेस में जफर जावेद बोले थे जफर जावेद का मैं विटनेस बन जाऊंगा, तुम लोग मेरे को धोखा दिए तो धोखा दे के उन लोगों से मिल गया, तो तू जी सकेंगा क्या? हम नजफ अली तेरी हम मुंडी निकाल देते। ये जसोमा अरुण पांडे मेरे को फोन करके बाजाबता जा ये ना ये बोलो। और तो ये लोग किसी को ऑफर दिए बोल रहे हैं क्या? कौन इन्वॉल्वमेंट है, किसको दिए ये? इसमें जसोमा हमको असालत प्रिंस उन्होंने भी 6 महीने पहले नवाब से बात नको करो, आजमा फैसल नवाब से नको करो, सुजात नवाब से नको करो अम्मा, हम तुम नजब को बोलो, मेरे से भी बात करे थे उन लगा कि असालत प्रिंस है, चोरा है, सो ये सब कि ये बोले नको बात करो अम्मा, 2 महीने का टाइम दियो हम अब सुजात नवाब कहने तो अब नहीं है, अगर हम तुम्हारे उसको फोन नको करो, फैसल नवाब को नको करो, हम बीच में आ रहे तो तुम्हारे को क्या होना बोले। तो नजर पहले बोले थे देखो मैं परेशान हूँ, एक ही जने बात कर रहे थे, कोई और भी बात कर रहे थे? बात करके ये असालत प्रिंस जो है मेरे से भी बात करके, अम्मा तुम मेरी बेटी है, मैं जसमा 2 महीने में तुम लोगों को 20 लाख रुपए नवाब सुजात नवाब से दिलाता हूँ, रहन का घर ले लो, रहन का घर। कौन बोले थे अम्मा? कौन बोले थे? ये जसमा असालत प्रिंस ये चोरा बोले थे। तो हम 2 महीने रुक गए थे, चलो अम्मा बोले बेटी बोले नजब को भाई बेटा बोले, बड़े बड़े वास्ते मौला के रसूल के वास्ते दे के ऐसा करे। फिर उसके बाद पोना असालत 2 महीने होते पोना ने उठाए, मेरे को नहीं मालूम बोल दिए। फिर उसके बाद फैसल को फोन पे, क्या फैसल भाई पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए, कब देते, वादे करके मुकरते, ये अच्छा नहीं होगा वो ये बोल के फैसल नवाब से नजब फोनों पे बात करे। तो उसके बाद कंडा शकील को लिए, कंडा शकील भी है, कंडा शकील फैसल नवाब की तरफ से मैं आ रहा हूँ नजब, मैं आ रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई है, तुम बीच में उनको डरा रहे धमका रहे, नहीं धमकाना नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं बीच में आ रहा हूँ, मुंडी कटा देते, तुम्हारी मुंडी काट देते बोले। कौन बोले अम्मा? ये कंडा शकील बोले।
उन्होंने बोले कि नहीं, फोन पे बोले थे आपको? हाँ, फोनों पे हमारे शोहर को बोले, मैं बाजू की बैठे हुआ था, इन लगा बोल के। और जब से नवाब 6 महीने से नौकर से बोलने लगा रहा, जिसका नाम अरुण है, अरुण बाजपता मेरे से डायरेक्ट बात करके बोला, नजब को बोलो, नवाब साहब को बताओ, नको करो बोलो, इतना पैसा है, खाली नजब मारता हूँ मारता हूँ बोल रहा, हम पैसा दे के नजब की मुंडी कटा। तो आप देते। आप हुकूमत से क्या चाह रहे मेरी अम्मा? बस मेरे को इंसाफ होना, जो मेरा हमारा सुल्तान उलूम सोसाइटी का 7,000 करोड़ का जो केस करके दिए है उन लोगों को, वो ट्रायल पे लाने भी नहीं दे रहे थे, बोलना ट्रायल पे आते रोक दे रहे थे, तो मैं कितने साल ये केस के पीछे फिर हूँ, मेरे को 17 साल हो गया, मैं चपला घस दे रहा हूँ, ट्रायल पे केस नहीं ला रहे। कौन बोले थे ये बात? ये नजफ अली बोले थे, जल्दी ट्रायल पे लाओ, जज को रिक्वेस्ट कर रहे थे, वकीलों को रिक्वेस्ट कर रहे थे ट्रायल पे लाओ। जैसा केस ये ट्रायल पे आ रहा, सुजात नवाब, फैसल नवाब पैसा दे के कोर्ट में पैसा खर्च करके केस रोक रहे, केस रोकने की शुरू उस वजह से वहाँ केस रोक रहे। नहीं तो मैं जफर जाओ इससे मिलने, तो अपोजिशन से गवाही दे देता हूँ, तुम लोगों को सजा होती है। इस वक्त पुलिस वाले आप लोगों को कॉपरेट कर रहे हैं? चंद ऐसे पुलिस वाले साहब लोग हैं, थोड़े लोग उन कॉपरेट कर लेके, पुलिस वाले नवाब उनसे थोड़े लोग नहीं साथ दे रहे थे, जो बड़े साहब लोग हैं वो हमारे को साथ दे रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। हमारे बोलो से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ देना, तो बोले तो ये जो है सुजात नवाब उन्हों खाली नजब इतना बोले कि मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा, जफर जाहिद आप लोग तो ये आपर मर्डर है, ये आपर मर्डर है, ये आपर कंडा शकील को दिए हुए हैं उन लगा, और इसमें असालत भी हमारे को टाइम दे के धोखा दिए उन लोगों की तरफ से आके, ये सब 6 महीने से मिली भगत है, इतना पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बाजबता साहब लोग मेरे को साथ देना, मेरे को भरोसा है, क्यों बोले तो चंद पुलिस वाले ऐसे जो बड़े साहब लोग हैं उन लगा हमारे को साथ देते हैं, नजब का भी साथ दिए, खाली उन्होंने विटनेस बन जाता हूँ, मैं गवाही आप लोग नवाब के खिलाफ दे देता हूँ, फैसल नवाब, सुजात नवाब के खिलाफ दे देता हूँ, बोलते बाजबता ना चैलेंज करके मेरे को फोन करके अरुण पांडे बोला के नवाब साहब पैसा लगा के मुंडी कटा देते मगर नजब को नहीं देते, बोल के सब बोले तो बोले मैं गवाह बन जाता हूँ उन लोगों का, इसका जफर जावेद उनके साथ दे देता हूँ, बोले तो इसलिए ना गवाह बन जाते हैं, बोले तो लगा मारने लगा दिए, ऑफर देके मारने लगा बाजबता ये, और ये पूरों की मिली भगत है, ये पूरे टंडा शकील है, इसमें असालत है, इसमें ये बीचों में आए थे 6 महीने से हमारे को सता रहे थे, 6 महीने से उनको मारते 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 एक ही बोल रहे थे बाजबता, मैं मेरे को तो अरुण पांडे बाजबता नवाब साहब नजर की बीवी को ये जाके बोलो, फोन करके बोलो के फोन करे थे आपको? हाँ, मेरे को फोन ये जो अरुण पांडे जिसके जो नवाब साहब का ड्राइवर है, फैसल नवाब, कंडे शकील को लाए बीच में, सुजात नवाब, तो बाजाबता ड्राइवर से फोन करा के मेरे को बोलने लगा है, अम्मा देखो नजफ ऐसा बदनाम करे, गवाह बनते बोल रहे, गवाही देने का मौका नहीं देते, पैसा लगा के नजफ की मुंडी कटाता हूँ, बोले मुंडी काटने की कोशिश करे तो अधर लटका दिए, मेरे को इंसाफ होना, मेरे शोहर का बदला क्यों बोले तो इतना बड़ा केस करके नवाब को दिए सुल्तान उलूम सोसाइटी का 7,000 करोड़ का केस है, वो जो लगा हमारे से करा, लेकिन 16 साल 17 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे, चपला घसे जा रहे, लेकिन नवाब हमारे को बहुत बड़ा धोखा दिया, हमारे को इंसाफ होना, सुजात नवाब को, फैसल नवाब, कंडा शकील, असालत और ये अरुण पांडे और कौन कौन है उन लोगों को पूरों को सजा देना, मेरे शोहर के साथ इंसाफ करना, इन लगा और मरवा दिए, धोखा दे दिए, दोस्ती में गल्ला काट दिए, और बाजबता गल्ला काट तो नवाब बोलने लगा, बोला तो नवाब बोला था, ये सुजात नवाब बोला फोन करके, फैसल नवाब शकील को बोले, शकील हमारे शोहर को कंडा शकील जो बोलते फोन करे थे शकील, हाँ हमारे शोहर के फोन पे फोन करके, मैं बाजू की इसका बोले सर ये चोर शकील है, कहते कंडा शकील है, ये पूरे